हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम प्लान लेकर आए हैं वो है हमारा 20 फिट बाय 25 फिट का प्लान, यानी कि 20 फिट इसका फ्रंट रहेगा और 25 फिट इस प्लान की लंबाई रहेगी। अगर हम इस पूरे प्लॉट की स्क्वायर फिट में बात करें तो ये हमारा 500 स्क्वायर फिट का प्लॉट है। गजों बात करेंगे तो ये हमारा 55 गज का प्लॉट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो इस पूरे प्लान के अंदर हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, डाइनिंग एरिया दिया है, लिविंग रूम हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है, किचन दिया है, वेटिंग एरिया प्रोवाइड किया है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी एंट्री होती है, तो ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा बाइक पार्किंग का पोर्शन रहेगा। तो 4 फिट बाय 9 फिट 2 इंच का आपको यहाँ पर बाइक पार्किंग एरिया मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फिट 2 इंच रहेगा, तो यहाँ पर आपकी बाइक ईजिली आ जाएगी। इसी के सामने यहाँ पर आपको मिलता है एक, देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है लिविंग एरिया। तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है तो यहाँ पर आपको पूरा लिविंग रूम मिलता है, तो जो भी गेस्ट होंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका टीवी आ जाएगा। 12 फिट 2 इंच बाय 9 फिट का आपको यहाँ लिविंग एरिया मिलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 फिट 2 इंच रहेगा। इसकी विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फिट चौड़ी विंडो हमने इसकी प्रोवाइड की है। फिर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 3 फिट 6 इंच चौड़ी गैलरी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसके बराबर में यहाँ पर आपको मिलता है एक किचन, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको किचन मिलता है। 6 फिट बाय 5 फिट 4 इंच का आपको यहाँ पर किचन मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 फिट 4 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 फिट रहेगा। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फिट चौड़ी विंडो रखी है, तो किचन की जो भी स्मेल होगी वो इस विंडो के थ्रू पास आउट हो जाएगी। जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आ जाओगे अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। ये जो पूरा पोर्शन है आपका डाइनिंग एरिया का पोर्शन रहेगा, 7 फिट 6 इंच बाय 9 फिट 2 इंच का ये आपका डाइनिंग एरिया का पोर्शन रहेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 फिट 6 इंच रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फिट 2 इंच रहेगा। ठीक, यहाँ पे 3 फिट चौड़ी हमने यहाँ से स्टेयर्स प्रोवाइड किए, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। फिर स्टेयर्स के नीचे हमने डोर प्रोवाइड किया अपने कॉमन टॉयलेट बाथरूम में आने के लिए। 5 फिट बाय 6 फिट का आपको यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, 2 फिट चौड़ा वेंटिलेशन है जो हमारे इस वाले OTS से कनेक्ट है, तो इसकी जो स्मेल होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। इस डाइनिंग एरिया में से हमने डोर प्रोवाइड किया अपने इस वाले OTS के पोर्शन में आने के लिए, तो ये हमारा ओपन पोर्शन रहेगा। 5 फिट बाय 2 फिट 10 इंच का ये आपको OTS का पोर्शन मिलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 फिट 10 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 फिट रहेगा। इसी तरह से ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 फिट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 फिट रहेगा। फिर हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ, तो आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। 11 फिट बाय 9 फिट का आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलता है। यहाँ पर आपका बेड आ जाएगा, यहाँ वार्डरोब, यहाँ पर आपका टीवी आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 9 फिट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 11 फिट रहेगा। इस बेडरूम की विंडो हमारे OTS से कनेक्ट है, तो 4 फिट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर दी है, तो हमारे बेडरूम में रोशनी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये था हमारा 20 फिट बाय 25 फिट का प्लान। आउटर वॉल की बात करें तो आउटर वॉल 9 इंच की रहेगी, इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल हमारी 4 इंच की रहेगी। इस पूरे प्लान में जो टोटल कॉलम्स हमने दिए हैं वो 9 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम साइज़ हमने 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम साइज़ प्रोवाइड किया है। इस पूरे प्लान का एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 6 लाख के आसपास आएगा, यानी कि 6 लाख रुपये आपका एक मंजिल बनाने में खर्च हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान। आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तब तक के लिए।